माध्यम से पूरे टूर्नामेंट को कैद किया जा रहा है। तो सबसे पहले किक लगाने का मौका मिला है सागर एफसी सी दाडंगा के खिलाड़ी को, जर्सी नंबर 10 बाली पहले किक को आजमाएंगे, सामना करेंगे यहां पर सुनील सोरेन। पहले किक को सफलता में तब्दील किया है ये ट्राई पेकर भी एक एग्जाम की तरह है। किक लगाने वाले खिलाड़ी और गोलकीपर को एक दूसरे के दिमाग को पढ़ना पड़ता है और जो पढ़ने में तेज हो गए समझ लीजिए कि उनकी टीम का बेड़ा पार हो गया। और अपने कोटे का पहला किक प्रेम आजमाएंगे। और उन्होंने भी अपने कोटे के पहले किक को सफलता में तब्दील किया है। कोटे के दूसरे की को जर्सी नंबर 12 आजमाएंगे सूरज। उन्होंने भी अपने कोटे के दूसरे किक को सफलता में तब्दील कर दिया है और ट्राई पेकर में 5-5 मौके दिए जाने हैं। जीत हासिल हुई तो 25,000 मिलेगी, तो समझ लें कि एक किक 5,000 रुपए का है। सुनील ताबड़तोड़ प्रयास यहां पर, तो दो दो मौके में दोनों ही दलों को सफलता हाथ लगी हुई है, न लॉस न प्रॉफिट, दोनों ही बराबरी पर। अभी 3-3 मौके शेष बचे हुए हैं, समझ लें कि 25,000 की इनामी राशि में 10-10,000 अपने नाम कर चुके हैं, अभी और 15,000 समेटने हैं क्योंकि एक किक 5,000 की हो रही है।
चलिए यहां पर दुखिया हस्ता ने भी अपना काम कर दिया है। और यहां पर कुछ सुझाव दिया गया है दुर्गा के द्वारा। अच्छा, मैं चाहूंगा बाली के द्वारा। बहुत ही सुंदर। दास मुर्मू जैसे नंबर 9 पर। टीमों ने खिलाड़ियों की सूची में अतिरिक्त खिलाड़ियों के नाम को जोड़ा जरूर है, मगर जर्सी नंबर अंकित नहीं किए हैं। ऐसे में व्यक्तिगत पुरस्कार के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और यहां पर मिस्टेक हुई सीधा डांगा के जर्सी नंबर 9। गेंद को जिस तरह से किक लगाए थे पोस्ट पर नहीं रख पाए और बिल्कुल गेंद जो है सीमा रेखा के बाहर गई है। बाली ने जिम्मेदारी उठाई है गोल रक्षक की। और यहां पर जर्सी नंबर 10 के साथ जर्सी नंबर 10 का मुकाबला देखने को मिलेगा। सिद्धू कानू FC पुरुलिया टीम के जो कप्तान हैं, आप अपने टीम को तैयार कर हमारे टेक्निकल जोन पर पहुंचा देंगे सेमीफाइनल मैच के लिए। और ग्लोव्स को टच करती हुई गेंद गोल जाल पर चली गई। अच्छा प्रयास था यहां पर बाली का, सफल नहीं हो पाए। तो 4 में 4 सफलताएं उड़ीसा के पास और 3 सफलताएं सीधा डांगा के पास। Thank you.